पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर भाजपा राज्य की तृणमूल सरकार को घेर रही है। 24 परगना में एक महिला का शव खून से लथपथ जली हुई अवस्था में बरामद होने पर भाजपा ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक लड़की की गर्दन काटकर पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है, और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीजों से स्थापित होता है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि अपराधियों को शरण मिलने की वजह से पश्चिम बंगाल में हालात बदतर हो रहे हैं। बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। भाजपा की राष्ट्रीय